इंडिया गठबंधन का नेता ना बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार गठबंधन का साथ छोड़ एनडीए खेमे में वापसी करने की चर्चाएं तेज हैं। यदि ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही सबसे बड़ा उलटफेर होगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी का बिहार का किला भी मजबूत हो जाएगा, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 40 से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के आ जाने के बाद बिहार में भाजपा के लिए मुश्किल पैदा होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच ये उलझने कैसे पैदा हो गई। नीतीश कुमार के एक करीबी ने बात करते हुए बताया कि बिहार भाजपा के कुछ नेताओं के बयानों से नाराज नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को लेकर भी चिंता होने लगी थी। इसके बाद ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव से संपर्क कर जदयू को राज्य के साथ लाने के निर्णय किया था, लेकिन इस समझौते में लालू प्रसाद यादव की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में राजद की तरफ से सहयोग देने की बात कही गई थी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना और ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल ने इसके संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम प्रस्तावित कर दिया तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से नाराज हो गए। दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई कि राजद उनका उपयोग करते तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में सेट करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्होंने कुछ देना नहीं चाहती। जदयू नेता ने बात करते हुए ममता बनर्जी खड़गे को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की बात कह रही थी, तब यदि लालू प्रसाद यादव चाहते तो नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर आके बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार ने माना कि लालू प्रसाद यादव उनसे विश्वासघात कर रहे हैं। इसके बाद ही नीतीश कुमार उस बैठक के बाद तुरंत पटना लौट गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह नाराजगी ही उनकी एनडीए में वापसी का कारण बन सकती है।